नमस्कार दोस्तों, रागनी जी कड़ी भजन जागरण चरकुला सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल देशवाल डीजे साउंड कठुमर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों पूरा सुने और देखें, फिर लाइक करें और शेयर करें। सभी से निवेदन और गायक बंधुओं से भी निवेदन, होली के बाद जोज का मेला रहता है गांव रतू में, सभी से निवेदन है प्रथम पुरस्कार 11,000, द्वितीय पुरस्कार 7,100। सभी गायक बंधु पहुंचे और सुनने वाले भी पहुंचे। कैसे भैया टेबल डालो। भैया एक समय रुक्मणी जी कन्हैया के पैरों को दबा रही है और पैर दबाते समय रुक्मणी ने कन्हैया से पूछ लिया, हे प्रभु इस ब्रज क्षेत्र के अंदर सबसे पहले राधा रानी का नाम क्यों लिया जाता है, आपका नाम क्यों नहीं लिया जाता? तो कन्हैया हंसकर कहते हैं, क्या कैसे भैया? घर आंगन है
वृंदावन में जाकर देखो चित्र है आधा आधा। एक बगल में कृष्ण मिलेंगे एक बगल में राधा। क्यों पहले पढ़ो
और ये 301 रुपए का पुरस्कार जोरमर मेंबर जी हमारे देते हैं। बार बार धन्यवाद। और भैया काए करुण अपनी प्यारी सतभामा को। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे ताऊ जी जगदीश भगत जी हमारे लिए देते हैं। बार बार धन्यवाद। और कहा करो से ए करो अपनी प्यारी सतभामा को हम अपने हाथन श्रृंगार बनाएंगे और चूड़े के गजरा को हम तो फूल अनोखे नामेंगे। और करो बल्कि तू में कमी ना है, तू बार बार एक बात तो कह रहा था कि मेरे सिवा कोई बलशाली है ही नहीं, बल्कि तू में कमी ना है, मेरो इतनो हुक्म बजा दो और भैया मोकू फूल अनोखे लाए दे। गरुण ने कहा वाह प्रभु बाएं हाथ का काम है, लेकिन मुझे ये बता दो वो मिलेंगे कहाँ। तो मुरली वाले कह रहे जब मैं तुम पे मंगा रहा हूं तो मैं बताऊंगा कहाँ मिलेंगे। तो सुन क्या कहा भैया। दक्षिण दिस पूरे और जाई कहीं और समझ जाए मिले फुलाबारी और फूल बगिया की सुंदर पक्षी पटारे
यही बगिया है वो जो श्री कृष्ण भगवान ने मुझे पता बताया है। और करता क्या है भैया, क्या फूल तोड़ में घुसियो बगिया में, फूल तोड़ में घुसियो बगिया में, ना खोप किसी को खाओ और मत हाथ लगाइयो फूलन के बंदर ने जवाब। श्री राम पूजा के फूल है कहा बंदर ने, कहां से आया तू और कहां का मालिक है तू? श्री राम पूजा के फूल है तेने मोते पे न पूछे हाथ लगाए। और भैया तू गलत जगह पे, तू रास्ता भूल गो गिद्ध, तू गलत जगह पे आ गया है। यहां केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा के लिए पुष्प जाते हैं, लेकिन सुरेंद्र समय को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा गाना। हाँ साहब, 500 रुपए श्री लीले राम जी बीरथरा निवासी कमेटी के लिए दे रहे हैं और 100-100 रुपए हर पार्टी के लिए इनाम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ओमवीर जी, कमेटी के पैसे ले जाओ साहब। अरे तो ना धर रहे साहब, ना धरे जा रहे तो मोक देते हो। हाँ पैसा नहीं कोई ऐसी बात है। देखिए अभी आप देख रहे हैं चुनाव को तैयार है और आपको यह तय करना है कि आगामी प्रधानमंत्री कौन हो। लेकिन यूपी में आप माहौल देख रहे हैं, गठबंधन हुआ है मायावती जी का और अखिलेश जी का, और कहना क्या है हमारा मोदी जी से, क्या है भैया जी, और मेरे मोदी भैया, और आपको भी विचार करना है भैया क्या, और मेरे मोदी साइकिल पे चल गया श्रीमान ओमवीर जी।
तीरा के वाले हमारे देखते बार बार धन्यवाद और प्यार के लिए भैया सुंदर इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं अगर भाइयों पहले कल बिहारी वाजपेयी जी चले गए और अगर नरेंद्र मोदी को खो दिया तो ये ध्यान रख लेना आप 50 साल के लिए अंदर बिल्कुल डाउन हो गए भैया। अरे मोदी जी से बिने हमारी मन की बात बताना कुछ ना करना कुछ ना करना मोदी प्यारे आतंकवाद मिटाना क्या कुछ ना करना मोदी प्यारे